हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। यहाँ पर लालीगा ईए स्पोर्ट्स लीग का मैच हो रहा है गेटे वर्सेस रियल मैड्रिड के बीच, जो कि खेला जाएगा 1:30 बजे, जिसमें रियल मैड्रिड टीम बहुत अमेजिंग है। रियल मैड्रिड टीम यहाँ पर भाई साहब अनगिनत गोल करना चाहे कर सकती है, क्योंकि गेटे टीम सिर्फ गोल खाएगी, क्योंकि रियल मैड्रिड टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो गेटे फॉर रियल मैड्रिड में रियल मैड्रिड टीम बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि रियल मैड्रिड टीम मेरे को बहुत पसंद भी है पर्सनली, और आप लोगों को भी होगी। और यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ तो इस मैच के अंदर आपने रियल मैड्रिड के कम से कम आपने यहाँ पर रियल मैड्रिड के 3 डिफेंडर लेने ही लेने हैं। कई बंदे ना ज़्यादा लालच के अंदर 2 डिफेंडर लेते हैं और 3 मिडफील्डर उठाते हैं, और दो दो मतलब दो ज़्यादा उठा लेते हैं स्ट्राइकर। तो ये गलती मत करना भाई, नहीं तो क्लीन शीट से हाथ धो बैठोगे। तो चलते हैं आगे। तो देखिए, बात करें सबसे पहले स्ट्राइकिंग की। स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर विनीगेस जूनियर को पिछले मैच में कैप्टन रख के मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे इस बंदे पे अंध मतलब विश्वास बहुत था, अंधविश्वास नहीं था, मेरे को विश्वास था इस बंदे पे सिर्फ कि बहुत ज़बरदस्त खेलेगा, मतलब अनप्रिडिक्टेबल गेम भी खेल जाता है कई बार, जितने गोल एक्सपेक्ट किए होते हैं उनसे ज़्यादा कर देता है। क्योंकि विनीगेस जूनियर बिलोंग्स फ्रॉम ब्राज़ील, ठीक है, ये ब्राज़ील का वैसे प्लेयर है, और ब्राज़ील के प्लेयर्स को आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि फुटबॉलर वहाँ के कलाकार है भाई। और आगे अगर बात करें तो यहाँ पर आर गोस को लूँगा, क्योंकि गोस को भी दी जा रही है जगह। बीच में तो एक बार इसका दौर सा आया था, हर मैच में गोल करता था। आप देखिए, नवंबर का महीना तो था ही इसका मेरे भाई, इतना अच्छा खेला था। उसके बाद थोड़ा फ्लॉप होना शुरू हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेशंस इससे अभी उतनी छूटी नहीं, मेरे को काफ़ी पसंद है प्लेयर। और ई उनल के ना खेलने पर फ़ायदा ले रहा है मयूरल, और मैं मयूरल को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से उनल ने गेम छोड़ी है मयूरल के गोल आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज उनल की वापसी हो सकती है, क्योंकि उनल ने पिछले मैच के अंदर 2 जनवरी को आकर 21 मिनट मैं गेम खेला था मेरे भाई। तो अगर उनल आया तो एक गोल मान के चलो। जो बंदे मयूरल को ले रहे हैं, अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, अगर मयूरल को ले रहे हो निकाल के उनल ले लो। बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मयूरल का गोल आने वाला है तो आप गलत हो। अगर उसका गोल आएगा तो आएगा, लेकिन उससे पहले उनल का गोल आएगा ही आएगा, तो मैं इसके साथ जाऊँगा। एंड मिडफील्डिंग की बात करें, जूट बेलिंगम ने प्रीवियस मैच नहीं खेला था, खेला होता तो एक गोल एक्सपेक्टेड था पूरा पूरा, तो मैं इसको अभी के लिए ले रहा हूँ। द नेक्स्ट प्लेयर वॉज टी क्रूज, क्योंकि क्रूज के बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो चल सके। हाँ, एक है बी दयास, तो भाई बाप प्लेयर है, लेकिन इसको सिर्फ वो लोग लेंगे अगर बेलिंगम नहीं खेलेगा। अगर बेलिंगम और क्रूज इस गेम के अंदर हैं तो फिर कोई भी अपनी टीम के अंदर बी दयास को नहीं लेगा। सिर्फ बी दयास को वो लोग लेंगे जिनकी मतलब जो सिर्फ वही बंदे लेंगे, अगर बेलिंगम नहीं खेलेगा तो उनकी जगह आप लेंगे। ग्रीनवुड की बात करें, देन ग्रीनवुड इज़ अ गुड प्लेयर। पिछले मैच में 2 जनवरी को इसको रेड कार्ड हैंड ओवर हो गया, जो कि बहुत गलत था। एक प्लेयर जो इन फॉर्म खिलाड़ी था वो नहीं खेल रहा क्योंकि रेड कार्ड मिल गया, तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेशन होगा। तो आज मैं मजबूरी में मुझे एल मिला को यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। और मैक्सिकोविक को भी यहाँ पर मुझे हो सकता है लेना पड़े अगर मुझे ढंग का डिफेंडर ना मिला, क्योंकि मैं डिफेंडर पे बड़ी खोज कर रहा था। मेरे को डी सोरेस ही अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने सोरेस का गोल रेशियो सॉरी जब मैंने सोरेस का गेम प्ले का अच्छा रेशियो देखा तो बड़ी टीम्स के खिलाफ बिल्कुल फ्लॉप था, तो मैंने अपने मन को मैक्सिकोविक पर मना रखा है। तो मैं मैक्सिकोविक के साथ अभी पूरा मतलब जाऊँगा। एंड आगे से अगर बात करें, देन कारविजल की बात करूँ, तो कारविजल आज के मैच में आपका साथ देगा। डी अलावा वॉज नॉट प्लेइंग, एडर मिलिटाओ नॉट प्लेइंग, ठीक है, इंजर्ड हैं दोनों। तो रूडीगर की जहाँ तक बात रही, तो रूडीगर की वापसी तो हो ही चुकी है, इसको लेना है। रूडीगर के बाद वेस्कोस की बात करें, तो वेस्कोस नहीं खेल रहा, ये भी नहीं खेल रहा। गर्शिया खेल सकता है, नेचो खेल सकता है, और मैंडी का भी मैं श्योर नहीं, पता नहीं मैंडी को भेजेंगे कि नहीं। तो ऐसा है कि मैं दो में थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, गर्शिया और नेचो में, तो अभी मैं गर्शिया के साथ जा रहा हूँ। बात करें गोलकीपिंग की, डी सौर्या को यहाँ पर मैं अपनी टीम में लूँगा। सौर्या इज़ अ गुड प्लेयर, सौर्या ने बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अच्छा किया है। 2 सितंबर को जब इन्हीं के खिलाफ मैच हुआ था, तो 10 गोल रोके थे 12 में से, अमेजिंग। तो बात करें यहाँ पर कप्तान की, कप्तान है यहाँ पर हमारा बेलिंगम, वाइस कप्तान है विनीगेस जूनियर। बेलिंगम नहीं खेलेगा तो बी दयाज ले लेना, कप्तान रख देना जूनियर को, वाइस कप्तान रख देना गोस को, ठीक है। तो ये हमारी टीम में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।